बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ 120 गज़ के मकान का नक्शा और 120 गज़ के मकान की बुनियाद कैसे मजबूत की जाती है। तो ये मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये अभी मैं मौजूद हूँ एक प्लाट के ऊपर जहाँ पर 120 गज़ के मकान का काम शुरू हुआ है। सबसे पहले तो इन्होंने ये देखें खुदाई की हुई है। खुदाई करने के बाद इन्होंने जहाँ जहाँ पिलर निकलने थे और जहाँ जहाँ टैंक बनना था वहाँ पर इन्होंने रोडी पत्थर डाल के इन्होंने कच्चा किया है। उसके बाद इसके ऊपर रोडी के ऊपर इन्होंने पिलर खड़े किए हुए हैं। ये देखें, ये आपको पिलर नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये आपको पिलर नज़र आ रहे हैं। ये आधे का सरिया इन्होंने यूज़ किया है। ये देखें, ये 11 पिलर इन्होंने फ़िलहाल निकाले हुए हैं। टोटल ये 13 पिलर निकालेंगे 120 गज़ के मकान पर। ये देखें, ये आपको ये जो नज़र आ रही है टैंक की जगह है। दो पिलर यहाँ पर रहेंगे। जब ये टैंक का सरिया लगेगा तो उस वक्त ये दो पिलर यहाँ से निकाले जाएंगे। ये देखें, ये मकान की मजबूती के लिए ये काम किया जाता है, नीचे बुनियाद मजबूत करने के लिए। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन्होंने सबसे तो पहले तो खुदाई की है, बहुत अच्छा मजबूत और पायदार काम हो रहा है। अगर कोई भी भाई करवाना चाहता है तो सबसे पहले इस तरीके से काम हो कराए ताकि घर बहुत मजबूत बने। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये सरिया निकाला है इन्होंने। ये देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने नीचे रोड़ी डाली है, उसको कच्चा किया है, फिर उसके ऊपर सरिया खड़ा कर दिया है। सरिया खड़ा करके फिर इसका माल भरा है। ये भी इन्होंने 11 पिलर निकाले हुए हैं। दो पिलर इसके टैंक के पास आएंगे तो ये बाद में निकालेंगे। ये देखें, तकरीबन 3-3.5 फीट इन्होंने नीचे गहराई खुदाई की कराई है गहरी। ये टैंक की जगह पे भी इन्होंने पत्थर बिछा के कच्चा किया हुआ है। यहाँ पर भी दो पिलर ये निकालेंगे बाद में जब टैंक का सरिया लगेगा। ये 120 गज़ का मकान है, 24x45 फिट लंबाई चौड़ाई है इस प्लाट की, और टोटल रकबा स्क्वायर फिट के हिसाब से 1080 स्क्वायर फिट बनता है। ये जैसे जैसे मकान बनता जाएगा हम आपको इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन की डिटेल बताते रहेंगे। तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब और लाइक और शेयर लाजमी करना है। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जैसे जैसे ये काम चलता रहेगा मैं आपको इसके बारे में मालूमात देता रहूँगा।